हेलो स्टूडेंट्स, आपकी इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर द सरमन एट बनारस आज हम पढ़ेंगे। सरमन का मीनिंग होता है उपदेश देना। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि डिक्शनरी का यूज़ करो और वर्ड का मीनिंग ढूंढो सरमन। तो आप अपने डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखिए। और जो सरमन होता है वो लेक्चर और टॉक से, बात करने से और लेक्चर देने से किस तरह से डिफरेंट है। क्या इस वर्ड को कभी आपने नेगेटिव वे में या किसी जोक की तरह सुनते हुए देखा है? जैसे आपने कभी सुना होगा कि जो मेरी मदर है वो मुझे उपदेश देती रहती है कि अपना काम टाइम से करो। माई मदर सरमन्स अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम। इसी तरह से आपको कुछ वर्ड और फ्रेजेस दे रखे हैं जिसका मीनिंग आपको ढूंढना है। अफ्लिक्टेड विद का मीनिंग होता है जैसे कोई कोई किसी बीमारी से ग्रसित है, तो ही इज अफ्लिक्टेड विद किसी डिजीज से ग्रसित होना या किसी भी प्रॉब्लम से ग्रसित होना, सफरिंग से ग्रसित होना। बी कंपोज मीन्स शांत होना। डेजोलेशन मीन्स बिल्कुल उजाड़, सुनसान, जहाँ पर कोई लाइफ ना हो, कुछ ना हो, उसको बोलते हैं डेजोलेट बिल्कुल। लेमेंटेशन का मीनिंग होता है कंप्लेन करते रहना, शिकायत करते रहना। प्रोक्यूर मीन्स प्राप्त करना किसी चीज़ को। एंड बी सब्जेक्ट टू मीन्स किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होना, किसी चीज़ से रिलेटेड होना। अब उसके बाद आपसे पूछ रखा है कि क्या अभी कभी आपने सरमन सुना है, कोई उपदेश सुना है एज एट ऑन द माउंट, जो माउंट पर दिया गया था, और हु डिलीवर्ड इट, और उसे किसने दिया था। एंड हु डू यू थिंक डिलीवर्ड अ सरमन इन बनारस, और आपको क्या लगता है कि जो बनारस में जो उपदेश था वो किसने दिया था। अब हमारा जो चैप्टर है द सरमन एट बनारस, इसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतमा इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्थ, उत्तरी भारत की स्टोरी है। जो भगवान बुद्ध हैं उनकी जो शुरुआत का जीवन था वो एज अ राज प्रिंस, वो राजकुमार थे और उनका नाम सिद्धार्थ था। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर्स एंड 4 ईयर्स लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। जब वो 12 साल के थे तो उन्हें पढ़ने के लिए, स्कूलिंग के लिए भेज दिया था हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर्स। जो सेक्रेट स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है पवित्र, और स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धार्मिक जो किताबें होती हैं। स्क्रिप्चर्स मीन्स जो रिलीजियस बुक्स होती हैं। तो पवित्र जो हमारे ग्रंथों की, वेदों की पढ़ाई करने उन्हें भेज दिया गया था। और 4 साल बाद 4 ईयर लेटर वो वापस आ गए। ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी से उनकी शादी हो गई। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स एज बिफिटेड रॉयल्टी। उनका एक बेटा भी था एंड दे लिव्ड फॉर 10 ईयर, और 10 साल तक दे लिव्ड फॉर 10 ईयर एज बिफिटेड रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब होता है बिल्कुल राजाओं की तरह शाही जीवन उन्होंने जिया। बिफिटेड मीन्स जो बिल्कुल रॉयल जीवन फिट होता है रॉयल्टी के, वो जीवन उन्होंने जिया। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेयरटूफोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. A बहुत important point है इस chapter का। जो वो 25 साल के थे, heretofore means अभी तक तो, heretofore means अभी, till now, अभी तक तो वो shielded from the suffering of the world, दुनिया की suffering से, मुसीबतों से, problem से, तकलीफ़ों से बिल्कुल shielded थे, means बिल्कुल वो बचे हुए थे, ढके हुए थे वो। While out hunting, लेकिन जब वो बाहर गए, chanced upon a sick man, लेकिन एक बार वो शिकार करने के लिए बाहर गए तो उन्हें क्या मिला, एक sick man मिला, एक बीमार आदमी मिला, एक aged man मिला, एक बूढ़ा आदमी मिला, एक funeral procession मिला। funeral क्या होता है, जो किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो अंतिम संस्कार होता है, किसी की अर्थी लेके जाते हैं तो उसे बोलते हैं funeral procession, देखा उन्होंने। एंड फाइनली अ monk, और उन्होंने monk क्या होता है, भिक्षुक होता है, एक सन्यासी होता है जो कि begging कर रहा था फॉर द alms, alms मतलब भिक्षा, जो कि भिक्षा मांग रहा था। उन्होंने एक monk देखा जो कि जो भिक्षा थी उसे। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, इन दृश्यों ने, इन नज़ारों ने उन्हें इतना मूव कर दिया। मूव का मतलब होता है उनके मन पे बहुत असर डाला, इतना प्रभावित किया, उन्होंने इतना इफेक्ट किया, दैट ही एट वंस बिकम अ बैगर, कि वो एकदम से क्या बन गए, भिक्षुक बन गए, खुद ही वो एक तरह के सन्यासी का जीवन जीने लग गए। एंड वेंट आउट इन द वर्ल्ड, और बाहर निकल गए अपना सारे सुख चैन ऐशो आराम छोड़कर, दुनिया में निकल पड़े टू सीक एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मीनिंग है यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए वो निकल पड़े। कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस, जब उन्होंने देखा कि दुनिया में इतनी सोरोज हैं, इतनी दुख तकलीफें हैं, विटनेस मीन्स उन्होंने देखी, उनके वो गवाह बने, तो वो उन सबका जवाब लेने के लिए, एक एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाहर निकल पड़े। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 ईयर्स, वॉन्डर का मीनिंग होता है भटकना, 7 साल तक वो भटकते रहे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ फिग ट्री, और फिर एक फिग अंजीर के पेड़ के नीचे वो बैठ गए। Where he vowed to stay until enlightenment came, जहाँ पे वो का मतलब होता है एक कसम खाना, उन्होंने एक प्रॉमिस करना अपने आप से, उन्होंने प्रॉमिस किया कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, enlightenment मुझे नहीं मिलता है,
तब तक मैं इस पेड़ के नीचे ही बैठा रहूँगा। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days ही रीनेम द ट्री बो ट्री, ट्री ऑफ विजडम। अब 7 दिन में उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने उस पेड़ का नाम रीनेम, उस पेड़ का दोबारा से नाम रख दिया बो ट्री। बो ट्री नाम था, बो का मीनिंग होता है विजडम, बुद्धि, बुद्धि का पेड़। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और टीच करने लगे, सिखाने लगे लोगों को और शेयर करने लगे अपना जो उन्होंने अंडरस्टैंडिंग, जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो उन्होंने समझा था, जो उन्होंने सीखा था, वो सबको बताने लग गए, यानी वो उपदेश देने लग गए। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा, और तब उन्हें क्या, किस नाम से जाना गया, बुद्ध के नाम से। पहले उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था, अब उनका नाम बुद्ध हो गया। बुद्ध का मीनिंग होता है द अवेकेंड और द एनलाइटेंड, जो जाग चुका है, जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है, उसको, उसका जो मीनिंग, उस वर्ड को ही बुद्ध कहते हैं, जिसने नॉलेज पाली है। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, और उन्होंने अपना पहला जो उपदेश था वो बनारस में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस इन द रिवर गंगा, और रिवर गंगा में बहुत ही होली, पवित्र डिपिंग प्लेस मीन्स जहाँ पे लोग स्नान करते हैं, वो है बनारस। दैट सर्मन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज प्रिंटेड हियर, और जो सर्मन, जो उपदेश था, उसे प्रिजर्व कर लिया गया, मीन्स उसे बचाकर रख लिया गया इतने सालों तक, और उसे प्रिंट करा, जो अभी यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो एक प्रिंट किया गया है सर्मन, उसको छापा गया है यहाँ पर। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। जो ये सर्मन है, इस समय में इस तरह की विजडम की बात की गई है, इस तरह की ज्ञान की बात की गई है, जिसको किसके बारे में, सफरिंग, इनस्क्रिटेबल। इनस्क्रिटेबल का मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे हम समझ नहीं पाते, जिसको समझना बहुत मुश्किल है। सफरिंग्स के बारे में, कि जो दुख होते हैं, जो तकलीफ़ें होती हैं, वो क्यों होते हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है समझना, इन सब के बारे में बुद्धा ने अपने सर्मन में बात की है। अब इसके पॉइंट वाइज पॉइंट आपसे डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला है किसा गौतमी। अब इसमें एक स्टोरी दे रखी है किसा गौतमी की, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ध्यान से सुनिए। किसा गौतमी हैड ओनली सन। किसा गौतमी एक महिला थी, एक लेडी थी, जिसका एक ही बेटा था, एंड ही डाइड, और वो मर गया। अब वो बहुत दुखी थी, इन हर ग्रीफ वो अपने मरे हुए बच्चे को पड़ोसियों के पास ले जा रही थी। शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, और उनसे क्या कह रही थी, कोई दवाई दे दो, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। और जो लोग उसे कह रहे थे, अब वो बच्चा तो मर चुका है, वो दवाई से कैसे जिंदा होगा। शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, लोग उसे कह रहे थे लगता है इसका जो दिमाग है वो खराब हो गया है। द बॉय इज डेड, लड़का तो मर चुका है। सेकेंड पॉइंट, एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। तभी उसको ऐसे ढूंढते ढूंढते एक आदमी मिला जिसने उसका जवाब दिया, उसकी रिक्वेस्ट का आंसर दिया। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए दवाई तो नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ, एक डॉक्टर को समझ लीजिए, एक वैद्य को जानता हूँ जो ये कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, और जो किसा गौतमी थी, यहाँ पे गर्ल किसको बोला, किसा गौतमी को, वो बोली प्रे टेल मी सर हु इज इट, कृपा आप मुझे बताइए, प्रार्थना करी कि वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू शल्य मुनि द बुद्धा, उसने कहा कि तुम भगवान जो बुद्ध हैं, जो शल्य मुनि हैं, उसके पास तुम चली जाओ, शल्य मुनि बुद्ध के पास तुम चली जाओ। पॉइंट नंबर 4, किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड। अब जो किसा गौतमी थी, वो भगवान बुद्ध के पास गई और रोने लगी, उनके पास जाके वो रोने लगी और बोली लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन। जो किसा गौतमी है, वो भगवान बुद्ध के पास गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई लॉर्ड एंड द मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मेरे मालिक, मेरे भगवान, मुझे ऐसी दवाई दे दो जो कि मेरे बॉय को, मेरे बच्चे को क्योर, क्योर का मतलब होता है ठीक कर दे, उसकी बीमारी दूर कर दे। द बुद्धा आंसर्ड, ठीक है, बुद्धा ने कहा, बुद्धा ने उत्तर दिया आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड क्या होता है, सरसों। मुझे एक मुट्ठी भर, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, एक सरसों के दाने लेके आओ। एंड द गर्ल इन हर जॉय, अब उसने कहा कोई बड़ी बात नहीं, वो खुश हो गई कि सरसों के दाने ले आऊँगी तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। एंड द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, प्रोक्योर मतलब प्राप्त करना, कि हाँ मैं सरसों के दाने ले आऊँगी, खुश होकर वो बोली। लेकिन बुद्धा ने एक और बात साथ में जोड़ दी, द बुद्धा एडिड द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड हस्बैंड पेरेंट और फादर। लेकिन वो सरसों के दाने उस घर से ही लेके आने हैं जहाँ पर ना कभी किसी का कोई बच्चा मरा हो, ना किसी के हस्बैंड मरा हो, ना कोई किसी के माता पिता की डेथ हुई हो, ना किसी के फ्रेंड की डेथ हुई हो। मीनिंग एक ऐसे घर से मस्टर्ड सीड्स लेके आने हैं जहाँ पर आज तक कभी किसी की डेथ ना हुई हो।
पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, और बेचारी किसा गौतमी अब एक घर से दूसरे घर की तरफ जा रही है। एंड द पीपल पिटेड हर एंड सेड, अब जो लोग हैं उस पर दया दिखा रहे हैं और बोले हेयर इज द मस्टर्ड सीड टेक इट, ये ले सरसों के दाने। बट वेन शी आस्क, जब उसने पूछा डिड अ सन और अ डॉटर, अ फादर और अ मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार में कोई बेटा कोई बेटी कोई माता पिता की डेथ हुई है, तो दे आंसर्ड हर अलास, हाँ, उन्होंने बड़े ही दुखी होकर उत्तर दिया। अलास मीन्स बड़ा ही सोरोफुल एक्सप्रेशन होता है, ये बहुत ही हाई जैसे हम बोलते हैं हिंदी में हाई, परेशान होकर उन्होंने बोला द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, जो मर गए जो वो तो बहुत हैं लेकिन जो जिंदा है वो बहुत थोड़े हैं, यानी कि जितने लोग हैं जिंदा उससे भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं। द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ, तुम हमें हमारा बहुत ज़्यादा गहरा दुख, ग्रीफ मीन्स दुख, उसकी याद मत दिलाओ, हमें उस तकलीफ की याद मत दिलाओ, रिमाइंड मतलब याद करवाना। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलवड वन द हैड डाइड इन इट, और ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पर कोई बिलवड किसी की फैमिली का कोई अपना ना मरा हो। किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, किसा गौतमी थक गई होपलेस हो गई एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी, और बैठ गई रास्ते के किनारे शहर की रोशनी देखती रही एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जो दिए थे वो थे बुझने से पहले हिले, फ्लिकर्ड अप हुए और एक्सटिंग्विश मतलब बुझ गए, वो जो दिए थे वो फ्लिकर हुए और उसके बाद वो क्या हुए वो बुझ गए, तेज से चमचमाए और बुझ गए और हर तरफ क्या हो गया एंड एट लास्ट डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, रेन का मतलब होता है राज्य, हर तरफ अंधेरे का राज हो गया, यानी कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। एंड शी कंसिडर द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, अब उसने इस चीज़ को इंसान के भाग्य से जोड़ा, उसने सोचा कि जो इंसान का फेट ऐसा ही होता है, भाग्य ऐसा ही होता है, उनका जीवन भी इस तरह से फ्लिकर अप करता है, तेज तेज फड़फड़ाता है, तेज तेज रोशनी होती है एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और वो भी बुझ जाता है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं कितनी, उसने अपने आप से पूछा किसा गौतमी ने खुद से उसने सवाल किया कि मैं कितनी सेल्फिश हो गई, मैं कितनी स्वार्थी हो गई अपने दुख में। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सबको आती है, येट कॉमन, जो डेथ है वो कॉमन है, वो सब यानी वो सबको मिलती है, येट इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन देर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी एंड हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, लेकिन इस वैली ऑफ डेजोलेशन, डेजोलेशन का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर बिल्कुल डेजोलेट हो, कोई इंसान ना रहता हो, बिल्कुल सुनसान जो जगह होती है, ऐसी जगह पर यदि कोई रास्ता हमें इमोर्टैलिटी की तरफ लेके जाता है, पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी, इमोर्टैलिटी का मीनिंग होता है अमर हो जाता है, जो कभी ना मरे, तो ऐसी डेजोलेशन वाली जगह में, इस दुनिया में कोई रास्ता जो हमें इमोर्टैलिटी की तरफ लेके जाता है, मोक्ष की तरफ लेके जाता है, हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, वो रास्ता है जहाँ पे हम अपनी सारी जो स्वार्थ होता है, जो अपनी सारी सेल्फिशनेस होती है, उसे सरेंडर कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसे गिव अप कर देते हैं, यानी कि यदि हम अपनी सारी सेल्फिशनेस छोड़ देंगे, एक अच्छी ह्यूमन बीइंग बन के जिएंगे, तो इस डेजोलेशन की वैली में भी एक रास्ता ऐसा है जो उस इंसान को इमोर्टैलिटी तक लेके जाता है, जो उसे मोक्ष की प्राप्ति जिसे करना बोलते हैं, वो इंसान अमर हो जाता है, वो मरता नहीं है, मॉर्टल होता है जो ख़त्म हो जाता है, नश्वर है, और इमोर्टल और नश्वर। एट्थ, द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन, बुद्धा ने कहा मॉर्टल जो लोग होते हैं उनका जीवन इस धरती पर ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, बड़ा ही परेशानी से भरा होता है और छोटा होता है, और पेन उसमें बहुत दर्द होता है, कंबाइंड विद पेन, फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके द्वारा जो पैदा हो चुके हैं वो मरना अवॉइड कर सकें। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, और ओल्ड एज पर पहुंचकर हमें क्या मिल जाती है, मृत्यु मिल जाती है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, जो लिविंग चीज़ें हैं, जो जिंदा लोग हैं उनका इसी प्रकार का नेचर है, इसी प्रकार से वो दुनिया में रहते हैं। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जो पके हुए फल होते हैं उन्हें उनके गिरने का खतरा ज़्यादा होता है। सो मॉर्टल व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, तो जो मॉर्टल्स होते हैं, नश्वर जो लोग होते हैं, जब वो पैदा होते हैं तो हमेशा उन पर मौत का खतरा बना रहता है, दे आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। As all earthen vessels made by the potter end in being broken, जितने भी earthen means मिट्टी के, vessel means बर्तन, potter means कुम्हार, कुम्हार मिट्टी के जितने भी बर्तन बनाता है वो एंड में जाकर टूट जाते हैं, so is the life of mortals, इसी तरह से जो
मॉर्टल्स होते हैं, जो नश्वर होते हैं, मॉर्टल का मीनिंग जो एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा, वैसे ही पॉटर के उन वेसल्स की तरह मॉर्टल्स की लाइफ भी ख़त्म हो जाती है। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, यंग और अडल्ट, जो यंग हैं छोटे हैं, अडल्ट जो बड़े हैं, जो फूल्स हैं जो मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं, जो वाइज हैं जो बुद्धिमान हैं, ऑल फॉल इन टू द पावर ऑफ डेथ, सबको जो मृत्यु होती है वो अपना शिकार बना लेती है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, हर कोई डेथ से क्या होते हैं, मृत्यु सब पर आती है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सब्जेक्ट टू का मीनिंग होता है कि हर कोई मृत्यु को प्राप्त करता है, सब मृत्यु के ही विषय हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। नाइन्थ, ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉट किन्समैन देयर रिलेशंस। और जो उस दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉट किन्समैन देयर रिलेशंस, नॉट ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉट किन्समैन देयर रिलेशंस। तो जिन पे मृत्यु आ जाती है, जो मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो इस दुनिया को छोड़ देते हैं, जीवन को छोड़ देते हैं, और जो फादर होता है, जो पिता होता है, वो भी अपने बेटे को नहीं बचा पाता, और जो किन्समैन, किन्समैन का मतलब होता है रिलेटिव, जो रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, वो भी अपने रिलेशंस को नहीं बचा पाते। मार्क, मार्क मीन्स ध्यान दो, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, जो सगे संबंधी होते हैं वो देख रहे होते हैं, लेमेंटिंग का मतलब होता है शोक मना रहे होते हैं, कंप्लेन कर रहे होते हैं, दुख में वो डूबे होते हैं। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक एक करके जितने भी मॉर्टल्स हैं, जो नश्वर हैं, जिनकी मृत्यु जिनको प्राप्त होनी है, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। दे आर कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जैसे एक बैल को काटने के लिए ले जाया जाता है, उसी तरह से एक एक करके सब इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। सो द वर्ल्ड इज इफ्लिक्टेड विद डीके एंड डेथ, जो धरती है, जो ये दुनिया है, वो डीके, डेथ मीन्स मृत्यु, और डीके मीन्स बर्बादी, नश्वर है, ये सबसे इफ्लिक्टेड है, इफ्लिक्टेड का मतलब पीड़ित है। यहाँ पर जो भी पैदा हुए हैं उन्हें एक ना एक दिन मृत्यु होगी, तो ये जो संसार है ये मृत्यु और दुखों से भरा हुआ है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो वाइज पीपल होते हैं, दे डू नॉट ग्रीव, ग्रीव का मतलब होता है शोक मनाना, वो शोक नहीं मनाते, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो शोक नहीं मनाते। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की वो क्या करते हैं, टर्म्स को जानते हैं, शर्तों को वो जानते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग, नॉट फॉर ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना तो रोने से ना शोक मनाने से हमें मन की शांति मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जबकि हम अगर हम रोएंगे, लेमेंट करेंगे, तो इससे जो हमारा दुख है और बढ़ेगा, और जो हमारी बॉडी है उसको नुकसान होगा, अपर बॉडी विल सफ़र, हमारे शरीर को ही नुकसान होगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, जो इतना दुख मनाएगा, शोक मनाएगा, वो खुद को ही बीमार कर लेगा। एंड पेल, और पेल मीन्स अपने आप को बिल्कुल वो क्या कर लेगा, पीला चेहरा हो जाएगा उसका, वो बीमार हो जाएगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय द लेमेंटेशन, जबकि उसकी शिकायत करने से जो डेड लोग होते हैं वो बचेंगे नहीं, यानी कि आपके लेमेंट करने का, आपके शोक मनाने का, आपके शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ द लेमेंटेशन, जिसको शांति की तलाश है, जो पीस चाहता है, उसे ड्रॉ आउट में निकाल देना चाहिए तीर, किस चीज़ का तीर, शिकायत का, लेमेंटेशन का, कंप्लेंट का, ग्रीफ का। जो सुख की, जो शांति चाहता है, उसे शिकायत का, दुख का, इन सबको त्याग देना चाहिए, इन सबको गिव अप कर देना चाहिए। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो, जिसने इस तीर को निकाल दिया, एंड हैज़ बिकम कंपोज, जो शांत बन चुका है, उसे ही पीस ऑफ माइंड प्राप्त होगा, उसे ही मन की शांति प्राप्त होगी। जिसने सभी दुखों को जीत लिया है, वही दुखों से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। वन हु हैज़ ओवरकम ऑन सॉरो, जिसने सब दुखों पर विजय पा ली है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, वो सॉरो से, दुखों से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और उस वो ही क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, उसे ही भगवान का जो है आशीर्वाद है वो मिलेगा। तो इस तरह से लेमेंट करने का, सॉरो करने का, ग्रीफ करने का कोई फायदा नहीं होता। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है द सर्मन एट द बनारस, ये यहाँ पर फिनिश हो जाता है।